हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबके एक न्यू वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ HDFC के रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने का तरीका। मोस्टली जितने भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो उन सभी में रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, तो कुछ लोगों को रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में पता होता है और कुछ लोगों को नहीं पता होता है। और कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में पता होता है लेकिन उनको यूज कैसे करना है, कहां पर यूज करना है, उस रिवॉर्ड पॉइंट के जरिए हमें क्या क्या मिल सकता है इसके बारे में नहीं पता होता है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने लाइव अप्लाई करके दिखाने वाला हूं कि आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो या कोई गिफ्ट वाउचर बाय कर सकते हो। कंप्लीट डिटेल वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। और दोस्त, अभी मौसम की बात करो तो बहुत ही अच्छा मौसम बना हुआ है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। आपके एरिया में क्या मौसम का हाल है मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अभी मैं पंजाब में हूँ और पंजाब में जो मौसम है अभी बहुत ही खुशगवार बना हुआ है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड मनी को रिडीम करने के लिए जस्ट आप अपने ब्राउजर में ओपन कर लीजिए HDFC नेट बैंकिंग। तो आपके सामने जो वाला पहला लिंक आ जाएगा उस पर टैप करोगे, उसके बाद में आपको नेट बैंकिंग में लॉगिन करना होगा, जिसके लिए आपको अपना कस्टमर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर जाना है। तो जैसे ही आप HDFC के नेट बैंकिंग वाले पेज पर आ जाओगे तो यहाँ पर आपको कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जो कि आपको अकाउंट फंड बिल पेमेंट एंड रिचार्ज के बगल में दिख जाएगा कार्ड वाला ऑप्शन, इस पर आपने टैप कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपने क्रेडिट कार्ड वाला जो ऑप्शन है उसमें इंक्वायरी वाला ऑप्शन को क्लिक कर देना है। और उसके बाद में यहाँ पर रिडीम रिवॉर्ड पॉइंट्स का ऑप्शन है, उस पर आपने टैप कर देना है। जैसे भी इस पर टैप करोगे तो आपके पास में अगर अलग अलग क्रेडिट कार्ड होंगे तो यहाँ पर शो कर जाएंगे, तो आप अपने जिस क्रेडिट कार्ड का रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, देन अगेन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आपको माई रिवॉर्ड्स का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सभी रिवॉर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर होम है, उसके बाद में रिडीम रिवॉर्ड पॉइंट्स, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाया जाएगा। इसके थ्रू आप प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हो, इंस्टा वाउचर ले सकते हो, इसको आप कैश में रिडीम कर सकते हो, साथ ही आप ई वाउचर भी ले सकते हो। और यहाँ पर आपको मेरी जो टोटल अभी रिवॉर्ड पॉइंट है वो आपको देखने को मिल रहा होगा कि 2508 मेरे पास रिवॉर्ड पॉइंट है। तो नीचे में मैं यहाँ पर भी कैश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और देखते हैं ये हम कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये आप देखो 2508 मेरे पास पॉइंट्स है और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है 502 रुपये बन रही है। तो अगर मैं यहाँ पर रिडीम करने के लिए यहाँ पर पॉइंट जो मैं मेंशन करता हूँ, जो कि मेरे पास टोटल 2508 है, तो मैं 2508 मेंशन कर देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर अमाउंट देख लेते हैं, 502 रुपये बन रहे हैं। और मैं यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर प्रेस करूँगा तो यहाँ देखिए ये जो है सर्किल घूमने लग गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो यूर कैश रिडीमशन रिक्वेस्ट टू बी मिनिमम ऑफ ₹2500, यानी मिनिमम जो है आप 2500 रुपये यहाँ से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे कम रिवॉर्ड पॉइंट अगर आपके पास होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, 2500 का रिवॉर्ड पॉइंट होगा तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी हम इसको कैश में नहीं रिडीम करते हैं बल्कि किसी और भैया इसको रिडीम करते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ फिर से होम पेज पर चला जाता हूँ और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट कैटलॉग वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि इंडियन ऑयल का ई वाउचर आपको मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट का ई गिफ्ट वाउचर आपको मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पर आपको अमेजोन का गिफ्ट वाउचर भी देखने को मिल जाएगा। तो मैं अभी यहाँ से अमेजोन का गिफ्ट वाउचर बाय कर लेता हूँ, जिसके लिए यहाँ पर देख सकते हो 660 रिवॉर्ड पॉइंट लगेंगे, जिसका मुझे एक अमेजोन गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास पड़े हुए हैं, तो इसकी क्वांटिटी मैं मैंने तीन अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड सेलेक्ट कर लिया है और इसको ऐड टू कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन मिल चुका है कि आपका जो गिफ्ट कार्ड है वो शॉपिंग कार्ड में ऐड कर दिया गया है। तो मैं ओके वाला ऑप्शन पे प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर जो कार्ड का ऑप्शन बना हुआ है उस पर मैं टैप कर देता हूँ। देन यहाँ पर आप देख सकते हो 660 पॉइंट का एक गिफ्ट कार्ड मिल रहा है और यहाँ मैंने तीन गिफ्ट कार्ड सिलेक्ट किए हैं जहाँ पर मैं टोटल 1980 पॉइंट रिडीम करने वाला हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और नीचे में आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर देना है और रिडीम नाउ वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। जैसे आप इतना करते हो उसके बाद में आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू रिडीम द पॉइंट्स विद द सिलेक्टेड आइटम, तो आपने यस पे क्लिक कर देना है, यानी ओके पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका परचेसिंग कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो योर रिडेम्पशन ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली, योर ऑर्डर नंबर इज दैट दैट दैट, तो जिसे आप अपने माई ऑर्डर में जाकर चेक कर सकते हो कि आपका ऑर्डर जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, कंफर्म्ड हो चुका है। और आप यहां पर देख सकते हो मेरे पास अवेलेबल रिवॉर्ड पॉइंट में 528 रिवॉर्ड पॉइंट रह गए हैं। और आप जानना चाहते हैं इसे आपको किस मंथ में कितना रिवॉर्ड पॉइंट मिला है, ये आप माई रिवॉर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जान सकते हैं।
इसका व्यू रिवॉर्ड हिस्ट्री पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी हिस्ट्री होगी रिवॉर्ड पॉइंट की, किस मंथ पे आपको कितना आया है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी लास्ट 6 मंथ की या उससे ऊपर की भी रिवॉर्ड पॉइंट की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि आपको किस मंथ में कितना रिवॉर्ड पॉइंट आया है। कैसे रिडीम करना है इसके बारे में मैंने इस वीडियो में कंप्लीट बता दिया है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मेरे पास 2500 पॉइंट थे, लेकिन मैं उनको जो है कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर जो कैश में कन्वर्ट करने की लिमिट है मिनिमम 2500 रुपए है। यानी जो 2500 रुपए की वैल्यू आपकी पॉइंट्स की बनेगी तब आप उसको बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। यानी आपके पास में 125000 रिवॉर्ड पॉइंट होंगे तो आप उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, जिसकी वैल्यू 2500 रुपए आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड बाय किया है और वो जो है मेरे मेल आईडी पे आ चुका है। उस गिफ्ट कार्ड को मैं अमेजोन पे बैलेंस में ऐड कर सकता हूँ। मे भी आप सभी कर लोगे। यदि आपको नहीं पता लग रहा है कैसे अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड जो हमें मिला है उसको अमेजोन पे बैलेंस में ऐड करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर दे दूंगा कैसे ऐड किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।